सो हेलो गाइस, आज हमारे पास एक सस्ता 5G का मोबाइल फ़ोन है। अगर आप एक सस्ता 5G फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि अगर आपको इस मोबाइल को लेना है तो इस मोबाइल को आप ले सकते हो, या इस मोबाइल को लेने से आपका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो इस मोबाइल को हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे और इसको देखेंगे कि इस 5G मोबाइल में कितना इसका जो स्पीड है या कुछ। मैं सारा कुछ टेस्ट करके आपको मैं बताऊंगा कि ये आप अगर एक 5G फ़ोन लेना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, या आपको ये नहीं लेना है। तो ये जो हमारे पास एक आज फोको का फ़ोन है, जिसका मॉडल नंबर है पोको 4M4। सो इस मोबाइल को हम ऑन करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या कुछ है। तो आप देख सकते हो कवर दिया हुआ है, एक फर्स्ट बूट चार्जर और यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल दिया हुआ है और कुछ नहीं है पैकेट में। तो चलिए इसको मोबाइल को हम ऑन करते हैं, उसके बाद देखते हैं जो मोबाइल का जो स्पीड है वो कितना फास्ट काम करता है, या सिर्फ इसमें 5G सपोर्ट है और इसमें कुछ इसके बारे में नहीं सोचा गया है। तो इसको हम देखेंगे और इस जो मैं इस मोबाइल को मैं ख़रीदा तो इसका जो प्राइस है 11,000 रुपया में, जो मेरा है ये 5G फ़ोन मेरे पास आ गया। फ्लिपकार्ट का सेल चल रहा है, इसलिए ये मेरे को 11,000 रुपया में आ गया। तो आप देख सकते हो कि मोबाइल ऑन हो चुका है। तो मोबाइल को कर लेते फुल सेटअप, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका जो टच या इसका इस फास्ट कितना फास्ट काम कर रहा है। तो मैंने इस मॉडल को पहले भी इस्तेमाल करके देख लिया है। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप इससे थोड़ा बेटर ऑप्शन में जा सकते हो। अगर आपके बजट थोड़ा लो है तो आप इस फ़ोन को ख़रीद सकते हो, लेकिन गेमिंग के लिए ये फ़ोन आपको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें गेमिंग उतना अच्छा नहीं चलेगा। मैंने इसको चेक कर लिया है, गेमिंग करके उतना फास्ट नहीं चलता है इसका। हालांकि 6GB रैम है और 128GB का स्टोरेज है, फिर भी उतना फास्ट नहीं काम करता है जितना कि आप सोच के लोगे कि 6GB रैम है आराम से चल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक 5G फ़ोन है। अगर आप नॉर्मल कोई इसमें टास्क वगैरह करते हो, वीडियोस, फ़ोटो, इंटरनेट करते हो, तब तो ये ठीक है, गेमिंग के लिए ये उतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा। सो इस फ़ोन को ख़रीदने से पहले आप एक बार सोच लेना कि अगर आप गेमिंग के लिए ख़रीद रहे हो तो आपके लिए ये लॉस हो सकता है। सो बहुत ही अच्छा सेट में इसको नहीं कहूँगा, तो आप देख लेना, अगर आपके बजट कम है तो उसको ले सकते हो। सो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर इस वीडियो से आपका कोई फ़ायदा होता है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना इस तरीके का वीडियो पाने के लिए। सो थैंक यू।